तो दोस्तों अभी हम नाव पर बैठे हुए हैं और अभी जो नाव खेल रहे हैं तो वो है हमारे चाचा। तो अभी उनसे हमने कहा कि हमको नाव से सैर कराओ। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों इस समय हम अपने घर पर बिल्कुल अकेले हैं क्योंकि हमारी जो दीदी और मम्मी है तो वो तो गई है घास खेलने, और हमारी जो तीन सिस्टर हैं तो वो भी बाहर खेल रही हैं, और हमारे जो पापा हैं तो अभी बसंतापुर गए हैं, वहाँ पर कीर्तन होने वाले हैं। तो इसलिए हमारे पापा को वहाँ पर बुलाया गया है, तो इसलिए हमारे पापा वहाँ पर कीर्तन पे गए हुए हैं क्योंकि हमारे पापा गा भी लेते हैं और हारमोनियम भी बजा लेते हैं। आप लोग कहते थे ना कि कहीं टहल के वीडियो शूट करो, तो आज हम चलेंगे कहीं टहलेंगे, उसके बाद में वीडियो शूट करेंगे। और ज़्यादा दूर तो नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी जो बाइक है तो भी समय है नहीं, और हमारे पापा भी नहीं है, नहीं तो हम अपने पापा के साथ में जाते हैं। और आप लोगों से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि हमारा जो घर है तो यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ हमारी जो बकरियाँ हैं वो हैं और जो मेमने हैं वो हैं, और घर पर इस समय कोई भी नहीं है। तो हमारी सिस्टर जो हैं तो घर का ध्यान रख नहीं पाएंगी, तो इसलिए हम अपने जो हमारी नानी है, तो नानी नहीं होंगी तो हम नाना से कह देंगे, या फिर नाना नहीं होंगे तो नानी से कह देंगे। तो चलिए किसी से कह देते हैं कि हमारा घर देखे रहना, क्योंकि यहाँ पर चोर बहुत ही ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि हमारी जो मम्मी और पापा हैं तो मम्मी और पापा गए थे रूसा, तो एक दिन हमारे वहाँ चोरी हो गई थी, तो तभी से हमारी मम्मी जो हैं तो उन्होंने कहा कि घर अकेला मत छोड़ देना, क्योंकि अगर कुछ चोरी हो गया तो इस समय हम लोगों के पास कुछ है भी नहीं, तो क्या करेंगे। तो इसीलिए अभी हम अपने नानी से कहेंगे, तो उसके बाद में चलेंगे। और अभी हमारे दद्दा भी आ गए हैं, तो कह रहे हैं पहले मोदी नगर को चलेंगे, उसके बाद में चलेंगे नदी पर, और आप लोगों को हम दिखाएंगे कि उस दिन गए थे तो आप वीडियो शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि हम फ़ोन लेकर नहीं गए थे, फ़ोन चार्ज नहीं था, तो इसलिए वीडियो नहीं शूट कर पाए थे। और जो नदी है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई थी और उसमें पानी भी बहुत ही ज़्यादा हो गया था। अगर हम जो किनारा होता है वहाँ पर चले जाएँ तो हमारे यहाँ तक पानी होगा। तो अभी हमारे जो अनूप दद्दा हैं तो कह रहे हैं कि जो पानी है तो अब कम पड़ा हुआ है, तो अभी हम नदी पर भी चलेंगे। और दद्दा इधर आइए ज़रा, तो देखिए हमारे दद्दा हैं, और देखिए ये पहले से हमसे कह रहे हैं कि हम राधे राधे नहीं कह पाएंगे। तो दद्दा नदी पे चलोगे ना? अभी प्लाट को चलेंगे। हाँ, तो हमारे वहाँ देहात में जो मोदी नगर है तो उसको लोग उस प्लाट वाले इस प्लाट को बोलते हैं प्लाट, और इस प्लाट वाले उसको बोलते हैं प्लाट, और इसका नाम है आज़ाद नगर और उसका नाम है मोदी नगर, पर प्लाट प्लाट कहा करते हैं हमारे वहाँ देहात में। तो चलिए चलते हैं दादा। तो दोस्तों अभी लाइट भी आ गई है, क्योंकि दोस्तों कल लाइट नहीं आई थी तो हालत क्या ही बेहालत हो गई थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म था कल और बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा पसीना छूट रहा था। तो खैर मैं भगवान की शुक्रिया कि आज लाइट आ गई है। और देखिए अभी हमारे दादा वाला पंखा चला रहे हैं, तो दादा वो वाला इधर को घुमा लो ना। तो अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है तो इसलिए कुछ हवा खा लेंगे पंखा की, उसके बाद में चलेंगे। और देखिए ये भी चलने लगा उसकी हवा से, ये देखिए। तो अब चलिए चलते हैं दादा, थोड़ी सी हवा खा लीजिए उसके बाद में चलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को क्या बताएं कि अभी हम मोदी नगर को जा नहीं पाएंगे क्योंकि अभी 5:17 हो गए हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि अगर हम मोदी नगर को जाएंगे उसके बाद में हम नदी पर जाएंगे घाघरा नदी वहाँ पर टहलने, तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगी और रात भी हो जाएगी। तो इसीलिए हम और दद्दा सबसे पहले चलेंगे नदी पर, और अगर टाइम बचेगा तो हम मोदी नगर को चलेंगे, वरना नहीं जाएंगे, क्योंकि मोदी नगर तो हमारे जस्ट गांव के पास ही है और नदी कुछ ही दूर है। तो इसीलिए हम मोदी नगर को तो हम रोज़ जाया करते हैं, पर नदी पर ज़्यादा नहीं जा पाते हैं, तो इसीलिए आज हम नदी पर ही चलते हैं।
तो अभी दोस्तों हम लोग चले हैं और धूप बहुत ही ज़्यादा निकली हुई है, तो वीडियो सही से नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को हम नदी पर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं घाघरा नदी के पास में। यहाँ पर देखिए कि यहाँ है घाघरा नदी और हमारे अमित दद्दा भी आए हैं हमारे साथ में, और उधर हमारे अनूप दद्दा हैं वहाँ पर देखे गए हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हम लोग मज़ा लेने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो अभी चलिए चलते हैं अपने दद्दा के पास। और ये देखिए ये हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं, ये देखिए इधर आइए ज़रा, ये देखिए ये हैं और ये लोग इनके साथ में आए हुए हैं, और ये भी हमारे स्कूल के स्टूडेंट, ये देखिए। तो आप चलिए चलते हैं अपने दद्दा के पास में और वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों वहाँ पर देखिए अभी भैंस हैं, तो अभी वहाँ से यहाँ लेकर आएंगे, यहाँ पर जहाँ पर अभी हम लोग हैं, या फिर उधर लेकर जाएंगे वहाँ पर। और देखिए बहुत ही ज़्यादा गहरा पानी है, और उसके बावजूद भी ये देखिए वहाँ से लेकर आ रहे हैं अपनी भैंस, ये देखिए, और वहाँ पर चराने जाते हैं, ये देखिए आ रहे हैं। दोस्तों देखिए अभी ये लोग आ रहे हैं, और देखिए दो लोग हैं, तो ये देखिए जो भैंस है, तो देखिए कितना सारा पानी है, तो अंदर ही जा रही है, हमको तो लग रहा है कि तैर रही है। और ये लोग हैं तो अभी उन पर बैठे हुए हैं क्या, ये देखिए। और यहाँ बहुत आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा सही से, और आप देखिए कि लग रहा है कि लकड़ियाँ जा रही हैं कैमरे में। तो दोस्तों अभी यहाँ पर आप लोगों को अभी हम यहाँ का बैक कैमरा करके आप लोगों को व्यू दिखा देते हैं, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अच्छा लग रहा है। तो अभी आप लोगों को हम दिखा देते हैं, और देखिए ये नई किसी की नाव है, तो यहाँ पर अभी हम चढ़े हुए हैं, और देखिए ये भी चढ़े हुए हैं, और उधर अभी भैंस भी आ गई हैं वहाँ पर। तो अब चलिए आप लोगों को हम यहाँ का व्यू दिखाते हैं उधर चल कर। ओह ये यहाँ पर देखिए अभी ये मछली मार रहे हैं, ये देखिए। और अभी जो लग्गी होती है तो उसमें कांटा लगा देते हैं, उसके बाद में उसमें आटा लगा देते हैं, तो उसके बाद में मछली पकड़ते हैं, ये देखिए। और इधर लाइन से लगी हुई हैं। तो दोस्तों अभी हम नाव पर बैठे हुए हैं, और अभी जो नाव खे रहे हैं तो वो है हमारे चाचा। तो अभी उनसे हमने कहा कि हमको नाव से सैर कराओ, तो अभी वो हमको टहला रहे हैं, देखिए ये नदी है। और ये देखिए इधर अभी इतनी दूर आ गए हैं, और हमारे अनूप दद्दा भी नहीं आए हैं। और देखिए अभी आप लोगों को बता दें कि हम कितने लोग आए हैं, अमित दद्दा हैं और ये हमारे रिश्ते में भांजे लगते हैं, तो हम तीन लोग इधर हो गए और दो लोग उधर, तो अभी हम पांच लोग चल रहे हैं। और हमारे जो फ़ोन है तो उसकी बैटरी भी ज़्यादा नहीं है, तो अभी हमको जल्दी वीडियो शूट करना है, उसके बाद में घर पर चलना है। तो अभी हम नदी के किनारे पर आ गए, और हमारे चाचा भी, ये देखिए इसको बांधने के लिए गाड़ रहे हैं, ये क्या है चाचा, ये सरिया भी गाड़ हैं। और देखिए यहाँ पर अभी अमित अभी नाव खे रहे थे, ये देखिए, और वो बंधी हुई है उसको खे रहे हैं। तो अभी देखिए नाव पर अभी हम खड़े हुए हैं, और नाव से देखिए जो नदी है तो उसका कितना अच्छा व्यू लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये देखिए। और बहुत ही ज़्यादा बड़ी नदी हो गई है, और वहाँ पर टिकरी है, उसके बाद में बहुत ही ज़्यादा बड़ी नदी है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू, बाय।